हेलो बच्चों, मैं जयन अत्राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। यह रसायन विज्ञान से संबंधित है जो बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, अम्ल का नीले लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार होता है? तो चार ऑप्शन है, यह लाल कर देता है नीले लिटमस को, यह नीले लिटमस को पीला कर देता है, यह कोई परिवर्तन नहीं करता, यह नीले लिटमस को काला कर देता है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, निम्न में कौन प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है? चार एग्जाम्पल है, मैथिल ऑरेंज, फिनेथलीन, लिटमस, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जो है आपका लिटमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिल ऑरेंज, फिनेथलीन किस प्रकार का अम्ल क्षार सूचक है? चार ऑप्शन है, प्राकृतिक, कृत्रिम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही है कि मेथिल ऑरेंज, फिनेथिलीन क्या है, सिंथेटिक आपके क्या है, अम्ल क्षार सूचक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिटमस पत्र किस पादप से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन लाइकेन, दूसरा है शैवाल, तीसरा है कवक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस पत्र जो है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो वह लाइकेन नामक पादप से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, वनीला, प्याज एवं लौंग किस प्रकार के अम्लीय सूचक है, अम्ल क्षार सूचक है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, गंधी सूचक है, वर्णक सूचक है, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वनीला, प्याज, लौंग जो है गंध के द्वारा अम्ल क्षार की सूचना देते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, गंधी सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। अगला देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, जब अम्ल अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण के साथ कौन सी गैस बनाता है? चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है दूसरा, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, NaZnO2, Na2ZnO2, या Na2ZnO, या इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम जिंकेट का जो सूत्र है Na2ZnO2, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3। इसमें जो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर किसका स्वरूप है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्वरूप है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, यह रासायनिक जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है? तो चार ऑप्शन है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उदासनीकरण, या ये सभी। तो यह जो प्रक्रिया है उदासनीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि जब कोई क्षार अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाएगा साथ में जल, तो यह प्रक्रिया उदासनीकरण के कैटेगरी में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनेथलीन जो अम्ल क्षार सूचक है सिंथेटिक, क्षारी माध्यम में कौन सा रंग देता है? चार ऑप्शन है, पीला, नीला, लाल, गुलाबी। तो फिनेथिलीन क्षारी माध्यम में गुलाबी रंग देता है। अगला देखते हैं, फट-फट की ध्वनि के साथ किस गैस का दहन होता है? तो चार ऑप्शन यहाँ, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा, हाइड्रोजन गैस फट-फट की आवाज के साथ दहन करता है। अगला देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड को निम्न किस नाम से जाना जाता है?
चार ऑप्शन है क्षारकीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, लवणीय ऑक्साइड या ये सभी। तो धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है। चार ऑप्शन है क्षारकीय, लवणीय, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं। तो अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्ली होती है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला, जल में घुलनशील क्षारक को निम्न में से क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है अम्ल, लवण, क्षार या इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है। चार ऑप्शन है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उदासनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जल में जब अम्ल या क्षार घुलते हैं तो उष्मा निकलती है। तो पहला ये ऑप्शन सही है, उष्माक्षेपी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच में पी सूचक क्या है। पुषांश है, जो एक जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है। चार ऑप्शन है शक्ति, बल, सामर्थ्य, जड़त्व। तो जो पीएच में पू है, पी है, इसे पुषांश बोलते हैं, उसका जर्मन भाषा में अर्थ है शक्ति। अगला देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। पीएच 6, 8, 7 या 5। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7। 7 क्या है, उदासनीकरण है। 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारी प्रवृत्ति आ जाएगी, 7 से नीचे आएंगे तो अम्ली प्रवृत्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अम्ली बिलियन बिलियन का पीएच मान कितना होता है। चार ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम या 7 या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ली बिलियन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षार है जिसका पीएच मान कितना होगा। चार ऑप्शन है पीएच 8, पीएच 9, पीएच 12, पीएच 10। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10 होता है। यह क्षार की प्रवृत्ति का होता है। अगला देखते हैं, NaOH विलयन का प्रकृति कैसी होती है। चार ऑप्शन है, पहला है अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, उदासीन 7 या इनमें से कोई नहीं। तो NaOH क्या है कि प्रकृति क्या होती है, क्षारी होती है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अधिक संख्या में एच आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल निम्न में से क्या कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है दुर्बल अम्ल, दूसरा प्रबल अम्ल, तीसरा उदासीन या इनमें से सभी। तो अधिक संख्या में एच आयन देने वाले अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ली वर्षा जिसे एसिडन बोलते हैं का पीएच मान कितना होता है। चार ऑप्शन है 5.6 से अधिक, 5.6 से कम या 7 या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ली वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्षारक है। तो चार ऑप्शन है दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक है। अगला, एंटेसिड के रूप में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। चार ऑप्शन है NaCl, H2O, MgOH का होल ट्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इन चार ऑप्शन में से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंट एसिड के रूप में करते हैं। जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे उदासीन करने के लिए क्षारक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही क्या है, एंट एसिड के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों का जो इनेमल होता है दंत वल्क किसका बना होता है। चार ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है कि एनिमल जो दांत का होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है।
यह एनिमल जो है शरीर की सबसे क्या है, मजबूत भाग होता है, मतलब स्ट्रांगेस्ट मटेरियल होता है। अगला देखते हैं, किस पीएच पर मुख के दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है। चार ऑप्शन है, 5.5 से अधिक, 5.5 से कम, उदासीन या 7 से अधिक। तो हमारे मुख में दांतों का क्षय 5.5 पीएच से कम जब होगा तो क्षय प्रारंभ हो जाएगा, इसके लिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मुख के सफाई के लिए किस प्रकृति का दंत मंजन का उपयोग करते हैं या करना चाहिए। चार ऑप्शन है, अम्ली दंत मंजन, क्षार की दंत मंजन, उदासीन या ये सभी। तो हमको क्षार की दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, करते भी हैं हम लोग। अगला देखते हैं, नेटल एक पौधा है कि डंक वाले बाल से कौन सा पदार्थ निकलता है जिससे टच होने पे जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, एथनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, HCl या इनमें से कोई नहीं। तो नेटल के डंक से क्या निकलता है, मेथेनोइक अम्ल निकलता है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, नेटल के प्रभावों को दूर करने के लिए किस पादप के पत्तों का उपयोग करते हैं। जहां नेटल उगते हैं वहीं पे ये पौधा उगता है, नेचर ने ऐसा वरदान दिया है। चार ऑप्शन है, डाक पौधा, मेहंदी का पौधा, धतूरा का पौधा या सभी। तो डाक पौधे की पत्ती क्या करती है, नेटल के द्वारा जो अम्ल निकलता है उसको उदासीन करता है। अगला देखते हैं, इमली में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चार ऑप्शन है, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चाहे चींटी हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे बर्र हो, उन सभी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ चार ऑप्शन है, लैक्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चार ऑप्शन है, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान कितना होगा। तो चार ऑप्शन है, 7 पीएच होगा या 7 से कम या 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन सही है, 7 से कम। कब होगा, जब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक से मिलने से जो लवण बनता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगला देखते हैं, प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान कितना होगा। चार ऑप्शन है, 7, 7 से कम, 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के मिलने से जो लवण बनता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है, चार ऑप्शन है, 7 पीएच होगा, 7 से कम, 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, 7। अगला देखते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा एक प्रसिद्ध दांडी यात्रा किया गया था, वह किससे संबंधित था। असहयोग आंदोलन से, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से या नमक से या इनमें से सभी। तो दांडी जो यात्रा प्रसिद्ध थी वो नमक के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसके निर्माण से संबंधित है। चार ऑप्शन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl नमक, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्लोर क्षार जो प्रक्रिया है NaOH से संबंधित है। अगला देखते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर किसका निर्माण होता है। चार ऑप्शन है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से तीसरा जो ऑप्शन सही है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ही बनता है और साथ ही साथ
सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। अगला देखते हैं विरंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है। चार ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl2, NaOH या इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2 है। अगला देखते हैं रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में निम्न में से किसका उपयोग होता है। चार ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो रसोई घर में जो स्वादिष्ट खस्ता व पकौड़े बनाया जाता है उसमें हम लोग क्या डालते हैं। अगला देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ चार ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा बोलते हैं उनके सूत्र है NaHCO3। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ कौन सा अम्ल मिला होता है। तो चार ऑप्शन है एस्ट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या HCl। तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक अम्ल भी डालते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका सामान्य नाम है। चार ऑप्शन बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण या नमक। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है। अगला देखते हैं निम्न में किसको एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। चार ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या CaOCl2। तो इसमें हम लोग एंटासिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने के सोडा का उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं धोने के सोडा में क्रिस्टलन जल कितना होता है। तो धोने का सोडा का जो सामान्य सूत्र है उसमें क्रिस्टलन जल भी होगा। देखते हैं चार ऑप्शन Na2CO3 8H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 4H2O। तो धोने के सोडा में जो क्रिस्टलन जल होता है 10 क्रिस्टलन जल होता है, इसलिए धोने का सोडा का सूत्र क्या हो गया Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। चार ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड या ये सभी। तो हमको जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं नीले रंग के कॉपर सल्फेट से जब क्रिस्टलन जल निकल जाता है त्यागने पर कॉपर सल्फेट किस रंग का हो जाता है। तो चार ऑप्शन है भूरा रंग, श्वेत रंग, लाल रंग या काला रंग। तो नीले रंग के कॉपर सल्फेट से जब क्रिस्टलन जल निकल जाता है तो कॉपर सल्फेट सफेद रंग का हो जाता है, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो चार ऑप्शन है 225 के, 273 के, 373 के या 173 के। तो हम लोग जिप्सम को 373 के पर जब हम गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अगला देखते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O, कॉपर सल्फेट 2H2O, कॉपर सल्फेट 1/2H2O। तो जिप्सम का जो सूत्र है ये पहला ऑप्शन सही है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अगला देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो चार ऑप्शन है यहाँ कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O, कॉपर सल्फेट 2H2O, कॉपर सल्फेट 1/2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र है के लिए ये दूसरा ऑप्शन सही है, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। अगला देखते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण या खाने का सोडा। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं।
अगला देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? चार ऑप्शन है, पीएच 1, 4, 5, 10। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि क्षार ही क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर सकता है। यहाँ क्षार के रूप में क्या है, ये 10 है और बाकी सबका पीएच 7 से कम है, तो ये अम्ल है। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? चार ऑप्शन, NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो HCl ही इसका ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? चार ऑप्शन, एंटीबायोटिक जिसे प्रतिजैविक बोलते हैं, एनालजेसिक जिसे हम पीड़ाहारी बोलते हैं, एंटासिड और एंटीसेप्टिक जिसे प्रतिरोधी बोलते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? चार ऑप्शन है, 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। तो 16 ml की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? तो लवण के रूप में देखते हैं, चार ऑप्शन है, NaCl, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, KCl। तो अम्लीय लवण के रूप में आपका क्या है, सोडियम बाइसल्फेट है, क्योंकि इसके अंदर यच आपको पाया जा रहा है, इसलिए अम्लीय है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है? चार ऑप्शन है, FeZnMg, कॉपर। इसके लिए चौथा ऑप्शन है, कॉपर। अगला देखते हैं, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है जब क्षार से हल्दी रिएक्ट करता है? पीला, नारंगी, भूरा लाल या अपरिवर्तित। इसके लिए ऑप्शन तीसरा सही है, भूरा लाल। अगला देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन कैसा होता है, अम्ली, क्षारी, उदासीन या उभयधर्मी? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन अम्ली होता है। अगला देखते हैं, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? चार ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट निकलती है या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा ऑप्शन है तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो चार ऑप्शन, धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा, बिरंजक चूर। तो इसके लिए ऑप्शन है, बिरंजक चूर। तो बच्चों, इस तरह हमने रासायनिक विज्ञान के एक टॉपिक था, अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, समझा। इसी तरह हमारे चैनल बने रहें तो हम और भी रासायनिक विज्ञान के संबंधित पाठों से बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आएंगे। आज तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।